हाथी के दांत तस्कर गिरफ्तार। 6 हाथी के दांत किए गए बरामद। पिलानी पुलिस व डीएसटी की टीम की कार्रवाई। पिलानी पुलिस व डीएसटी की टीम की सूचना के आधार पर आज की गई संयुक्त कार्रवाई में हाथी के दांत की तस्करी करते हुए 3 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास पुलिस ने 3 बड़े और 3 छोटे हाथी के दांत बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में मनीष सिंह, मुरारी लाल और अभिमन्यु सिंह नामक 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर सफ़ेद रंग की बिना नंबर की टाटा नेक्सोन गाड़ी में सवार थे। तस्करों की गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। कार्रवाई में पिलानी पुलिस टीम का नेतृत्व SI सुरेश कुमार रोलन ने किया, जबकि DST टीम का नेतृत्व इंचार्ज ASI कल्याण सिंह कर रहे थे। पिलानी थाना अधिकारी रणजीत सेवदा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हाथी के दांत तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 6 हाथी के दांत बरामद किए गए हैं और ये कार्रवाई पिलानी पुलिस व DST की टीम की संयुक्त कार्रवाई रही। साप्ताहिक सेवा कार्यक्रम के तहत चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में हुआ फल वितरण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है सेवा सप्ताह कार्यक्रम। चिड़ावा चेयरमैन की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस पर चिड़ावा शहर में साप्ताहिक सेवा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इस सेवा सप्ताह के तीसरे दिन चिड़ावा के सरकारी अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। चिड़ावा नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। फारूक कुरैशी व राजेश स्वामी के सौजन्य से हुए इस कार्यक्रम में क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष मुकेश सैनी, नगरपालिका उपाध्यक्ष अभय सिंह बडेसरा, चिड़ावा GSS उपाध्यक्ष प्रदीप रावणा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ का क्रय विक्रय सहकारी समिति उपाध्यक्ष दयाराम ओस्टू, श्रीराम सैनी, गफूर मणियार, पार्षद निरंजन लाल सैनी, निखिल चौधरी, लोकेश कटारिया, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश पूनिया, समाज सेवी शीशराम सैनी बिल्लू, महेश चंदेलिया, ऑटो यूनियन अध्यक्ष रामनिवास सैनी आदि कई मौजूद रहे। चिड़ावा CSC प्रभारी डॉक्टर सुमनलता कटेवा भी मौजूद रही। आपको बता दें कि सेवा सप्ताह के तहत 5 मई को बेजुबान पक्षियों के लिए बेहतर परिंडे वितरित किए जाएंगे। इसका वितरण महंगाई राहत कैंपों में होगा। सेवा सप्ताह का समापन 8 मई को किया जाएगा। बेहतर पेड़ लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हमारे सरकारी अस्पताल में फल वितरण विधायक नगर में हुई चोरी की वारदात को लेकर पिलानी विधायक से मिले वार्डवासी, जल्द चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग। शहर के विधायक नगर में हुई लाखों रुपए की चोरी की वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग को लेकर वार्डवासी पिलानी विधायक JP चंदेलिया से मिले हैं। वार्ड नंबर 34 स्थित विधायक नगर विकास समिति ने पिलानी विधायक को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन में बताया कि 60 घरों की आबादी क्षेत्र वाले विधायक नगर में एक वर्ष में ये तीसरी चोरी की वारदात है। ज्ञापन में बताया कि इस वार्ड में महेंद्र सिंह मेघवाल सेवानिवृत्त फौजी के घर चोरी हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया था। इसके बाद समिति ने उपखंड अधिकारी संदीप चौधरी, DYSP सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर यह फैसला लिया था कि मुख्य 8 प्रवेश मार्गों पर विधायक कोष से लोहे के गेट बनवाएंगे तथा विधायक कोष से ये गेट बनवाए गए और जन सहयोग से रात्रिकालीन चौकीदार भी रखे गए, लेकिन इसके बावजूद भी दिन दहाड़े महज 15 मिनट में 1 मई को नरेश कटेवा रिटायर्ड फौजी के घर चोरी की वारदात हो जाती है। घर से करीब 21 लाख रुपए के जेवरात नकदी लेकर चोर फरार हो जाते हैं। ऐसे में चोरों के हौसले कितने बुलंद है इस घटना से समझा जा सकता है। घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद तथा CCTV फुटेज सामने आ जाने के बावजूद भी अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। ज्ञापन में बताया कि इन्हीं चोरों ने पिलानी में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया था। श्री नरेश जी कटेवा हैं, उनके 1:15 बजे के बीच में चोरी हुई है, बड़ी चोरी हुई है। उनका गहना है, नकद है, सब लेके गए हैं और बहुत ही सादसी चोरी हुई है, क्योंकि बहुत थोड़े समय में तुरंत आए और तुरंत लेकर चले गए और अभी तक उसमें कोई हमारे सामने कोई बात क्लियर नहीं हुई कि भाई किसी को हमारी नज़र में यही है कि पुलिस दिल्ली है, इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। हम चाहते हैं MLA साहब को ज्ञापन दें और वो इसमें कैसे करके हमारी मदद करें। हम कॉलोनी वासियों ने एक सजग नागरिक के रूप में विकास समिति गठित कर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था की है।
हमने मेरे हिसाब से फंड लेकर के 8 गेट बनवाए हैं, रात्रिकालीन चौकीदारी व्यवस्था की है, दिन में भी हमारे यहाँ पूरी तरह सजगता रहती है, चारों ओर से दुकानदार हैं, सब लोग जागरूक हैं, हर गेट के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी जो चोर हैं वो हमारी जागरूकता के ऊपर, पुलिस और हमारी जागरूकता को धत्ता बताते हुए चोरी की है। ये एक समाज के लिए बहुत चुनौती है। हम सब मिलकर के आज एमएलए साहब से मिलकर के ज्ञापन देकर चोरी हुई इसका शीघ्र खुलासा करने तथा आम नागरिकों को जागरूक करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और पुलिस से ये अपेक्षा करते हैं कि इन जो चोर जो ज़्यादा जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं, ये पुलिस इन चोरों को जल्दी जल्दी पकड़े और आम नागरिकों को उनकी चोरी की जो करतूत कार्रवाई है उनका खुलासा करें। परमहंस पंडित गणेश नारायण गौशाला नंदीशाला में जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का पुष्प वर्षा के साथ हुआ स्वागत। पंडित गणेश नारायण बावलिया बाबा मंदिर मार्ग पर स्थित परमहंस पंडित गणेश नारायण गौशाला नंदीशाला में जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। शिवनगरी चिड़ावा पहुंचे शंकराचार्य का गोरक्षा दल के अभिषेक पारिक, बाबू सिंह राजपुरोहित, आकाश योगी, नवीन सैनी, अमित सैनी, अरविंद सैनी, विशाल सैनी, भरत सैनी, मंजित गजराज ने स्वागत किया। इस दौरान चिड़ावा चेयरमैन सुमित्रा सैनी भी मौजूद रही। अलबेला ग्रुप द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इससे पहले आए हुए संतों का प्रवचन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलकर भारत को विश्व गुरु बनाने पर जोर दिया। गोरक्षा दल चिड़ावा व समस्त हिंदू संगठन के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आतंकी संगठन से बजरंग दल की तुलना पर क्या कहना है लोगों का, आप भी सुनिए। आतंकी संगठन से बजरंग दल की तुलना करने के मामले में लोगों की राय जानी है। आतंकी संगठन बताए जाने पर लोगों की अलग अलग राय है। बजरंग दल ने जहां इसका विरोध किया है, वहीं लोग भी इस राय से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि 4 सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, जिसमें पहला सवाल था क्या बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठन से करना सही है। दूसरा सवाल था क्या कांग्रेस हिंदूवादी संगठनों से नफरत करती है। तीसरा सवाल था क्या बजरंग दल जैसे संगठन समाज में हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। चौथा सवाल था क्या बजरंग दल जैसे संगठनों को बीजेपी बढ़ावा देती है और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। इन चारों सवालों को लेकर लोगों ने अपनी राय रखी है। साथ ही इस मामले में बजरंग दल से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारियों से भी बातचीत की गई, उन्होंने भी इस मामले को लेकर अपनी राय रखी है। आप भी देखिए इस पूरे मामले को लेकर लोगों की और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों की क्या राय है। हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हमारा संगठन है जो मैंने बजरंग दल में काफ़ी टाइम काम किया है, यह सिर्फ हिंदूवादी विचारधारा के ऊपर काम करता है, ना कि किसी आतंकी संगठन के ऊपर काम। हाँ, वो हमेशा यही काम करती आई है। जैसे पहले राम मंदिर के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने कोर्ट के अंदर एफिडेविट भी दिया था, राम को ताले के अंदर बंद करने का भी उनका प्रयास रहा है काफ़ी सालों तक। तो उनका एक प्रोपोगेंडा है कि राम के ऊपर जितने भी अगर वो कस सकते अपने विचार, वो कस से जाते हैं। ना तो लगना चाहिए और ना इनकी इतनी है कि ये बजरंग दल को एक ताले के अंदर बंद कर सके। ये है काफ़ी टाइम से और चला आ रहा है, और जो एक हिंदू विचारधारा के ऊपर काम करता है वो करता रहेगा, इसको कोई पाबंद नहीं कर। बीजेपी मान सकते हैं जो हिंदू विचारधारा का एक मतलब संगठन है कि जो हिंदू विचारधारा के ऊपर काम करता है, और बजरंग दल है वो भी हिंदू विचारधारा के अंदर काम करता है। तो अपन ये मान सकते हैं कि उनका और बजरंग दल का एक नैतिकता बनती रहती है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कांग्रेस वालों की झूठी राजनीतिक तौर पे बनाने की तौर तरीका है। ये तो बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो सदा हमेशा संगठन के साथ और राष्ट्रीय हित के लिए काम करता है। मेरे हिसाब से तो नहीं लगता मेरे को कि आतंकवादी संगठन है। क्या संगठन पर बैन लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इसके खिलाफ है, अगर कोई भी ऐसा बोले उनके शायद मेरे ख्याल से कभी औकात भी नहीं हो सकती कांग्रेस वालों की, वो बैन कर सकते हैं। बजरंग दल को बीजेपी सपोर्ट एक संगठन के तौर पर करती है, ना कि ये है कि उनके अपेगेंडा से वो उनके साथ चलती है। वो संगठन है, एक राष्ट्रवादी है, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं, वही बीजेपी करती है, तो उसके साथ वो जुड़े हुए हैं। आतंकी संगठन बताया गया है, क्या ये सही है? गलत है, बजरंग दल कोई आतंकी संगठन है ही नहीं। कांग्रेस हिंदूवादी विचारधारा से नफरत करता है, ऐसा मानना है आपका?
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बजरंग दल कोई भी आतंकी संगठन नहीं है। यदि कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। क्या बीजेपी और बजरंग दल साथ में मिलकर वोट बैंक बढ़ाने का काम करते हैं? नहीं, वोट बैंक का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बजरंग दल है वो कोई आतंकी संगठन नहीं है। यदि कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है और उसका कोई भी लेना देना नहीं आतंकी संगठन से। और बाकी तो पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए राजनीति करती हैं। जो बजरंग दल है वो उसको बैन कर देना चाहिए, ऐसी मांगे उठ नहीं नहीं ऐसा तो कुछ लगता नहीं है। बैन करनी चाहिए क्योंकि ऐसी उसकी गतिविधियां है ही नहीं। हिंदू संगठन होना कोई गलत बात थोड़ी ना है। यदि वो हिंदू संगठन है तो है, हिंदुओं के प्रति उनकी विचारधारा है। बजरंग दल कोई आतंकी संगठन नहीं है। यह बीजेपी का अलग उद्देश्य है, बजरंग दल का हिंदुत्व का अलग उद्देश्य है। बजरंग दल कोई शासन नहीं कर रहा है, बीजेपी शासन में है। बजरंग दल समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है? नहीं, बजरंग दल कोई नफरत नहीं फैला रहा है।